आप જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 હર હંમેશ સત્યની સાથે જોવા માટે સર્ચ કરો speednews17.com તેમજ તમામ સોશિયલ સાઇટ પર આજે દેશના 73મા પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે ત્યારે સુરત શહેરમાં પણ ઠેકઠેકાણે કોરોનાની મહામારી વચ્ચે 73મા ગણતંત્ર દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। सूरत शहर भेसान खाते आवेल साई पेलेस ना रहेवासी पण एक साथ मड़ी ने 73मा प्रजासत्ताक दिन की भव्य उजवणी करी हती। साई पेलेस ना स्थानिक रहेवासी तथा साई पेलेस ना आगेवान चंचल सिंह राजपूत तेमज संग्राम सिंह द्वारा 73मा गणतंत्र दिवस की उजवणी करवामां आवी हती। कार्यक्रम में सोसायटी अग्रणी बाळको द्वारा अनेक भव्य कृतिओ पण रजू करवामां आवी हती। बाळकोनी कलाकृति जोईने त्यां हाजर सौ कोई मंत्रमुग्ध बन्या हता। स्थानिक रहेवासी संग्राम सिंह द्वारा बाळकों ने अलग अलग कृतिओ करावामां आवी हती। सौ प्रथम दीप प्रागट्य थी तेमज ध्वज वंदन करी कार्यक्रम की शुरुआत करवामां आवी हती। ब्यूरो रिपोर्ट स्पीड न्यूज 17 सूरत। मेरा नाम राणा संग्राम सिंह है और आज हम सभी मिलकर के देश के गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम साई पैलेस के रहवासी मिलकर के साई पैलेस के जितने भी बच्चे हैं मिलकर के गणतंत्र दिवस को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया है ना। और इस गणतंत्र दिवस पर मैं देश के हर एक नागरिक को भारतीय नागरिकों को मैं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सभी लोग कोरोना गाइडलाइंस के तहत देश का गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करें। धन्यवाद। चंचल सिंह राजपूत। सर आज गणतंत्र दिवस का 26 जनवरी का दिन है जो कि हमारे ऑल इंडिया में बहुत खुशी समारोह है बराबर, जो कि हमारे आज देश में बहुत सारी चीज़ लागू हुई है। इसके आधार पे हमारे देश में बहुत सारा प्रोग्राम मनाया जाता है। पहला हमारे साई पैलेस रेसिडेंसी जो कि इतना बड़ा प्रोग्राम मनाया गया संग्राम सिंह राजपूत की तरफ से, जो कि हमारे सोसाइटी के हमारे बच्चे के सबके सोसाइटी के सर भी रहे और अच्छा प्रोग्राम रहा, अच्छा प्रोग्राम चलता रहा। प्रोग्राम से हमारे सोसाइटी के सभी सदस्य बहुत खुश हुए। ऐसा ही हर साल प्रोग्राम चलता रहे हमारे सोसाइटी वाले का, यही सबका मांग है। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे सभी सूरत निवासी देश निवासियों को। और आज का जो कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया शुभ रेसिडेंसी साई पैलेस रेसिडेंसी में, वो बड़ा हर्षोल्लास से मनाया गया। सारे गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया गया और बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पे आके मुख्य अतिथि के रूप में। मैं चाहता हूँ हर साल ऐसे हर्षोल्लास से हमारे देश में, हमारे सोसाइटी में, सभी के अंदर हमारे देश के लिए ऐसी भावनाएँ निकलें और सभी मिलजुल के जो भी नियम कानून है उसके तहत एक गणतंत्र दिवस मनाएँ। की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।